हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रामपुर में 11.5 करोड़ के उद्घाटन किए। उन्होंने रामपुर के इंदिरा मार्केट में 5.3 करोड़ की लागत से निर्मित कार पार्किंग, रामपुर महाविद्यालय के 2.45 करोड़ से बने कॉमर्स ब्लॉक, 91 लाख की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फांचा भवन, इसी तरह 85 लाख की लागत से ननखड़ी क्षेत्र के कुंगल बाल्टी पंचायत के कुंगल जलापूर्ति योजना, जिसमें 4 बस्तियों के 1000 लोग लाभान्वित होंगे। इसी तरह 1.55 करोड़ की लागत से शिंगला पंचायत के खकरोला के लिए ग्रेविटी सिंचाई योजना, जिससे करीब 60 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए, अभी बहुत से अन्य काम भी हैं जिनका उद्घाटन और लोकार्पण किया जाना है, लेकिन कोरोना के कारण समीकरण ऐसे बने हैं जिससे रामपुर पहुंचकर उद्घाटन करना संभव नहीं हुआ। उन्होंने कहा, वर्तमान भाजपा सरकार दूरदराज लोगों तक सेवा एवं सुविधा पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। वे चाहते हैं कि प्रदेश का एक समान विकास हो। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने के बाद जैसे ही हालात ठीक होते हैं, रामपुर आकर लोगों की समस्या सुनेंगे। जो भी विकास कार्य किए जाने हैं, उन्हें पूर्ण करने के बारे चर्चा करेंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि इस कोरोना महामारी में MCI के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ें। उन्होंने बताया कि इस लड़ाई में जनता के सहयोग से हिमाचल में सराहनीय प्रयास हुआ है। मुख्यमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रामपुर विधानसभा में विभिन्न विकास कार्यों के शुभारंभ से पहले मंडी हल्के के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने रामपुर बॉयज स्कूल के सभागार में पहुंचकर प्रदेश पर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रामपुर क्षेत्र के विकास के लिए वे कृत संकल्प हैं। मुख्यमंत्री के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उद्घाटन समारोह में भाजपा मंडल अध्यक्ष भीमसेन ठाकुर, जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक समेत कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। उन योजनाओं का शुभारंभ कर सके और इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लगभग 11.5 करोड़ की लागत से, चाहे वो हमारा डिग्री कॉलेज रामपुर का जो हमारा कॉमर्स का ब्लॉक है, लगभग 2.5 करोड़ की लागत से वो बन करके तैयार हुआ, उसका उद्घाटन करने का अवसर मिला, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और उसी तरह हमारे जो PSC है जो अंचा की, और वो भी लगभग 91 लाख की लागत से बन करके तैयार हुई, और उस पर भी हमारे जो 15-20 का जो हमारा दुर्गम क्षेत्र है, उस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिलेगी, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लगभग 86 लाख की लागत से हमारे ग्राम पंचायत कुंगल बाल्टी तहसील धनखड़ी में कुंगल के लिए जो हमारा ग्रेविटी के माध्यम से जलापूर्ति का जो पेयजल योजना है, उसका भी आज उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ, और जिसमें 4 बस्तियां लगभग 1000 के लगभग लोग उसमें लाभान्वित होंगे, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसी प्रकार से ग्राम पंचायत शिंगला की एक हमारी सिंचाई योजना 1,55,000 की लागत से, 1.55 करोड़ की लागत से बनकर के जो तैयार हुई, उसका भी आज उद्घाटन किया गया, जिसमें लगभग 7 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। और एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ी जो आपकी वहाँ की बड़ी स्कीम जो लगभग 5.5 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार हुई, इंदिरा मार्केट फेज 1 के वार्ड नंबर 3 में जो नगर परिषद की जो बहुमंजिला कार पार्किंग है, जिसमें लगभग 80 से 100 वाहनों को खड़ा करने के लिए, पार्किंग करने के लिए उसमें सुविधा होगी, वो भी आज आपको समर्पित की गई, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यों के उद्घाटन करने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उसके लिए होना तो ये चाहिए था कि हम आपके बीच में आते, वहीं मिलते, मिलकर के बात करते, लेकिन वो ऐसे हालात में संभव नहीं हो पा रहा पिछले 85 से। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि काफी दिनों से लंबित योजनाएं थी, उनका विधिवत मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया। उन्होंने बताया कि रामपुर में महत्वपूर्ण कार पार्किंग, जिसका लोगों को काफी आवश्यकता थी, उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। आज लगभग 11.5 करोड़ के कार्यों का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि आगे बहुत सी
योजनाएं लंबित पड़ी हैं, वे प्रयास करेंगे कि जल्दी काम पूर्ण हो और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर जो काम अधूरे पड़े हैं उन्हें पूर्ण करने का प्रयास होगा और मुख्यमंत्री के कर कमलों से इनका उद्घाटन किया जाएगा। द्वारा किया गया है, काफी दिनों से लंबित योजनाएं थी उनको पूरा किया और आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस टेक्नोलॉजी द्वारा विधिवत उसका लोकार्पण हुआ है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं और इसमें महत्वपूर्ण कार पार्किंग एक थी जो लोगों को सुविधा उसकी मिले वो भी आज उसका लोकार्पण हुआ है। और 11.5 करोड़ के लगभग ऐसे जो कार्य थे आज उनका विधिवत उद्घाटन किया गया है और आगे बहुत सी योजनाएं लंबित पड़ी हैं, अधूरे काम पड़े हुए हैं, विभाग उसके लिए तत्पर कि जल्दी वो काम पूरे हों। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ एक प्रशासन द्वारा एक बैठक करके जो जो रामपुर के काम लंबित पड़े हुए हैं उनको पूरा करके और मुख्यमंत्री जी विधिवत रामपुर आएँ और उनका लोकार्पण करें, ऐसा आग्रह मैंने माननीय मुख्यमंत्री से किया है।